एपीटी की वह बात मुझे बहुत सही लगी कि भाई का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता उल्टा व्यवस्था बनी रहती है क्योंकि बहुत बार जल्दबाजी में या प्रतिज्ञा में हिंसा की हम हिंसा से ही उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं या तो व्यवस्था हमें उकसाती है कि हम लोग भी हिंसा का उपयोग करें तब उनको मौका मिल जाए और वो फिर हमारे मुद्दे से हटाकर हिंसा में वो तो ताकतवर है क्योंकि हिंसा का तो उनका हद उनकी एरिया है वो लेकिन उससे ताकतवर चीज क्या हो सकती है तो वो अहिंसा है तो ये अहिंसा निर्भय की अहिंसा होनी चाहिए काया काम की नहीं है अगर आप अभी हिंसा नहीं कर सकते हैं इसलिए हम अभी अहिंसा की बात कर रहे हैं ऐसा भी नहीं चलेगा तो इसलिए ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अंदर से आता है कि हाँ हम हाँ, हाथ उठा सकते हैं लेकिन आप हमला करोगे उससे हमें ऐसे प्रतिक्रिया पैदा होगी क्योंकि उसकी आदत है हमें अहिंसा की तो आदत नहीं है हिंसा की आदत है जब भी हिंसा आती है तो तुरंत पहली प्रतिक्रिया अहिंसा की नहीं होती है हिंसा की होती है तो उसको जगाए रखने के लिए ये नारा कि हमला चाहे जैसे होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा क्यों क्योंकि यह हिंसा का जवाब अहिंसा में हिंसा से वो जवाब नहीं मिल सकता हिंसा से हिंसा खत्म नहीं हो सकती इसलिए हमें ये करना है और सत्याग्रह को मान लिया जाता है ये गांधी का साधन है और उसके लिए आग्रह के लिए कि हमारी बात को आपको मानना ही होगा नहीं तो हम मर जाएंगे इस तरह से धरना दिया जाता है वो तो कहते हैं ये तो पिस्तौल रोकने जैसी बात है किसी को डराने के लिए कि ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर दे। तो उन्होंने उसकी बहुत सूक्ष्मता में जाते हैं कि ये जो सत्याग्रह शब्द है वो आग्रह जो है ये हिंसा है तो वो कहते हैं कि सत्याग्रह नहीं सत्यग्राही होना चाहिए तो हमें आग्रह छोड़ना होगा अच्छा। सत्यग्राही मतलब सत्य क्या है इसके लिए समझने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए और हमें इसका एहसास होना चाहिए अगर हम खुद को अहिंसा में मानते हैं तो मेरा ही सत्य सत्य है ऐसे नहीं हो सकता है दूसरे का सत्य भी सत्य हो तो मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूं क्योंकि मैं बेईमानी ना करूं अपनी बात मुझे जो अंदर से लग रहा है सत्य है मैं कहूं लेकिन दूसरे की बात भी सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहूं और उसमें से खोज करने की प्रवृत्ति हो कि आखिर में सत्य है का और सत्य एक समय नहीं होता है वो लगातार उस समय का सत्य होता है और बदलता रहता है और ये गांधी और विनोबा के जीवन में दिखता है कि गांधी का भी जीवन सोसारा है उसने कह रखा है कि दो बात अगर है एक पिछली बात और नई बात तो बाद वाली बात मानी जाए और वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जाति व्यवस्था के संदर्भ में गांधी में जो जिस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है उनका और जिस सिरे पे जाकर फिर पूरा काम उन्होंने किया है तो ये असली सत्याग्रह को उन्होंने पकड़ा था सर्व सहमति में ये होता है कि आप बातचीत करते करते आप पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं है ना तो आपके दिल में कोई सवाल नहीं रहा आप सहमत हो गए और उसको लेके आगे बढ़ रहे ये सर्वसहमति होगी लेकिन बहुत बार बात करने में ये होता है कि सहमति नहीं हो रही है लेकिन आपको बात करने में ये समझ में आता है कि अब ये चीज बातचीत से हल नहीं होने वाली कितना भी हम बात कर ले अब ये नहीं होने वाला तो फिर कैसे फैसला होगा फैसला होगा जब करके देखेंगे गांधी का ये बहुत बड़ा सूत्र है गांधी कहते हैं कि करके देखो पता चल जाएगा होता है नहीं होता है कितने देर बहस करोगे तो ये करके देखने की स्थिति में आना है सर्वानुमति कि अब मैं सहमत तो नहीं हूं लेकिन अनुमति है मेरी कि अब इसको करके देखा जाए तो दोनों अलर्ट है अपने पक्ष के लिए और बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं और उसमें से जो परिणाम निकल कर आ गया उसको पकड़ लिया है सच में सर्वसहमति या सर्वानुमति संभव है या नहीं है मैं खुद जाकर परख कर देखूंगा अगर है तो दिखाई देगी नहीं है तो मानूंगा कि कुछ मेरी कोशिश कम है या तो नहीं होती होगी तो फिर बिना सर्वसहमति के बहुमत के आधार पर काम को आगे ले जाने का तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा तो इसलिए मेरी अपनी जरूरत के कारण मैं मह्ढा को खोजते हुए निकला तो ये सारी भिन्नता समाज में होती है और वो अलग अलग जगह ये ताकत उनमें है बीज रूप से और वो प्रकट हो सकती है तो फिर हमें समझ में आया कि ये जो मेंढ़ा में प्रकट हुई है या साइगाटा में प्रकट हुई है वो एक इंसानी क्षमता है जो में है लेकिन वो ऊर्जा के जैसे नियम की है कि ऊर्जा सो जाती है डोरमेंट होती है जागती है तब दिखाई देती है तो ये दुनिया के सभी इंसानों में एक क्षमता प्रकृति ने दे रखी है अब सवाल ये है कि ये सोई हुई ऊर्जा या बीज रूप से सोए हुए उनके अंदर कि ये बीज कैसे जागे अंकुरित हो हिंसा से नहीं हो सकता ये रास्ता तो पक्का बंद हो गया अब अहिंसा से और ज्यादा उसको समझना प्रयोग करना उसके प्रति और बारीकी से उसकी चीजों को समझना और प्रयोग से और, और समझते जाना यही रास्ता है